दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि अपनी पेनिस की लंबाई कैसे बढ़ाएं, पेनिस में लंबे समय तक तनाव कैसे बनाए रखें। अगर आप संभोग करने जाते हैं उससे पहले ही आपका पेनिस ढीला पड़ जाता है और पेनिस में ज़्यादा मात्रा में अगर चिपचिपा पानी गिरता है तो क्या करना चाहिए। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कैसे इसको ठीक करें। साथ ही दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे, अगर आप अपने पार्टनर को किसिंग करते हैं, फो प्रेस करते हैं, उनको टच करते हैं, उनके पास जाते हैं, ऐसे में ही अगर आपका पेनिस ढीला पड़ जाए तो आप संभोग कैसे करेंगे, तो ऐसे परेशानी में आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करिए, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो मिलने वाली है। चैनल पर नए मेहमान आए, वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी आपके काम की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। किसी लड़कियों के बारे में सोचना, उनसे बातें करते समय मास्टरबेशन करना, ऐसे सिचुएशन में 20 समय से पहले डिस्चार्ज हो जाता है, ज़्यादा चिपचिपा पानी गिरने लगता है। सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी आदत को बदलें, अपनी आदत में सुधार लाएँ और जो आपके दिमाग में जो उठपटांग हरकतें चलती रहती है उसको सुधार में लाएँ। अब अपनी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपनी पेनिस पर मसाज भी कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वो है लौंग का तेल। लौंग का तेल से मसाज करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, चलिए पहले वो जान लेते हैं। कि लौंग का तेल से जब आप मसाज करते हैं, जो पेनिस में ब्लड अच्छे से सर्कुलेशन नहीं करता है, जो पेनिस में आपके जो टेढ़ेपन की समस्या है, चाहे करते समय पेनिस में अगर दर्द हो रहा हो, चाहे समय से पहले डिस्चार्ज हो जाता हो, तो इसके लिए हर रात में सोने से पहले अपने पेनिस पर जो लौंग का तेल है, सिर्फ दो बूंद से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें जलन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, तो सिर्फ 2 बूंद लौंग का तेल अपने हाथ पे लेके, अपने हाथों से लेके उस पर मसाज करें। या फिर सबसे बेस्ट रहेगा कि जो कापूस होता है उस कापूस में लौंग के तेल को लगाकर अपने पेनिस पे मसाज करें। सबसे पहली पॉइंट कि जो पेनिस का ऊपरी हिस्सा होता है, जो फोर स्किन का, उसे थोड़ा सा नीचे तक ही करना है, ऊपर बिल्कुल भी नहीं करना है। रोज़ाना रात में सोने से पहले मसाज करिए। देखिए, जो लौंग का तेल होता है, इसे मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से काम करेगा, आपके पेनिस की ग्रोथ भी होगी। वहाँ पे अगर ब्लड जमा है या नसें अगर या फिर नसें बहुत ही कमज़ोर हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं, वहाँ पे अगर गांठ भी पड़ गया तो इसके वजह से भी आपके पेनिस में रिएक्शन ज़्यादा नहीं होता है और समय तक ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाता है, यानी कि टाइट नहीं रह पाता है। तो अगर आप जो लौंग के तेल से अगर मसाज करते हैं तो इससे आपकी प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से बिना किसी परेशानी के दूर हो जाएगी। चीज़ों को फॉलो कर लिए, आप लोगों की समझो प्रॉब्लम दूर हो गई। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की छोटा सा जानकारी अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच हमारे वीडियो देखने के लिए।